हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है डे टू हैदराबाद का और मैं आज आ गया हूँ रामोजी फिल्म सिटी घूमने के लिए। दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये है रामोजी फिल्म सिटी। अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं। अभी 9 बज रहे हैं फ़िलहाल, सुबह के 9:45 बजे के करीब यहाँ पे कुछ वेलकम सेरेमनी होगी, फिर अंदर जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ राइड्स हैं जिसमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे ये एक राइड कॉम्प्लीमेंट्री है और कुछ राइड कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो पैकेज हमने लिया है। पैकेज की बात करूँ तो पैकेज यहाँ पे मुझे पड़ा है अराउंड 1600 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं पूरे दिन में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं आज रामोजी फिल्म सिटी में करने के लिए। तो अभी बस फ़िलहाल वेट कर रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी, फिर अंदर चलेंगे। तब तक के लिए यहीं पे एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ फिर आपसे, जैसे ही वेलकम सेरेमनी स्टार्ट होती है फिर दिखाता हूँ आपको। ये गाइस फिल्मी दुनिया, ये फिल्मी दुनिया के अंदर आ गए हैं। कुछ ये राइड है, फिल्मी दुनिया का ओ
अभी जो आपने देखा वो था स्पिरिट ऑफ रामोजी डांस शो। अब चल रहे हैं कोई स्टंट शो है उसकी तरफ। अभी हैं 15-20 मिनट उसको स्टार्ट होने में, तो चलते हैं आपको स्टंट शो दिखाते हैं। ये सब सेट्स बने हुए हैं गाइस। हम जा रहे हैं इधर वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो। Thank you.
बाद हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो टूर करने के लिए। सो ऑल सेट, बस है आगे, हम बैठे हैं आगे सीट सही में। ये बस हमें स्टूडियो टूर करवाएगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे सब लोग, हाउ यू आर, ऑल गुड, राइट। सो सभी का रामा जी मोबाइल शोज खत्म हुआ उधर, स्पेस यात्रा फिल्म में दुनिया वाला परफेक्ट। सो आप सभी को हाथ ऑपरेशन आ करना। ये बस होती है, ये टूर देगी पूरे रामोजी फिल्म सिटी का। राइट, बस चलो। मेरा बस स्टैंड का पहला अट्रैक्शन है आपका राइट साइड में, मेरा बस स्टैंड का फर्स्ट अट्रैक्शन है राइट साइड में, 2-in-1 एलिवेशन गार्डन एरिया। सो बाहर से दिल्ली मुगल गार्डन, अंदर से वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर जैसा दिखा दे लोकेशन को, 2-in-1 एलिवेशन गार्डन एरिया। सो मोस्टली प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग एंड डेस्टिनेशन मैरिजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेशन को। लेकिन अभी लेफ्ट साइड में देखिए सब लोग, लेफ्ट साइड स्टूडेंट सारी अंदर कुछ स्लो जैसे लेफ्ट साइड एरिया सियारा गार्डन कहते हैं लोकेशन को। सो ग्रुप सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेशन को। सो विद्या बालन जी का मूवी देखे आप लोग, प्रेटी पिक्चर, उलाला उलाला सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग इधर ही शूट हुआ लोकेशन में सियारा गार्डन में। एंड जुलाई सिनेमा लो ओमद ओमद सॉन्ग कूड़ा इक्कड़े शूट चेसारु अन्नमाट एरिया सियारा गार्डन एरिया। एंड मलयालम बुधनान तारम करले करले सॉन्ग दडो तो पिक्चर है इन दिस प्लेस। देन अगेन राइट साइड में देखे सब लोग, वन राइट साइड एरिया एंजल फाउंटेन कहते हैं लोकेशन को। सो हायर सबॉर्डिनेट ड्रामा की तरफ से, सो आप देख सकते हैं यूजिंग दिस लोकेशन एज अ सोशल गैदरिंग्स। सो सोशल गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेशन को, लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, वेडिंग समरीज एंड सिनेमा हॉल फंक्शंस के लिए फेमस एरिया है जगह। सो रॉकस्टार मूवी देख सकते हैं लोकेशन को, ओनारन परंदे सॉन्ग का सॉन्ग यहाँ पर शूट हुए इसी के अंदर। एंड दिलवाले में लास्ट चर्च क्लाइमैक्स एंड वो भी इधर ही शूट हुए लोकेशन। देन अगेन लुक अराउंड द लेफ्ट साइड एरिया टॉप, लेफ्ट साइड टॉप स्टूडेंट फाइनल सॉरी इंटीरियर आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थानी स्टाइल हवा महल एरिया लोकेशन। इट अ बर्ड्स आई व्यू पॉइंट रामाजी फिल्म सिटी का, वहां से ड्रॉपिंग रहेगा आपको, सब देख सकते हैं लोकेशन। सो बाद में टूर में बीच में वहां पर एक्टिंग सब इधर ही शूट हुआ लोकेशन में। ये तो डिटैचेबल फाउंटेन अभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगेन राइट साइड एरिया एमपी बिल्डिंग, ऑन योर राइट साइड एमपी बिल्डिंग एरिया, मल्टीपर्पज बिल्डिंग एरिया लोकेशन। सो आप देख सकते हैं संडे सरकार राज सूर्यवंश में अमिताभ बच्चन जी का हवेली एंड तेलुगु तमिल फेमस मूवी चंद्रमुखी, वेंकटापुरम पैलेस लतलता बिल्डिंग लोकेशन एरिया। सो डोंट कीप योर हैंड्स आउट। अभी राइट साइड में देखे सब लोग, आने राइट साइड एरिया इंटरोगेशन सीन्स, फाइनल जजमेंट सीन्स एंड एंडिंग सीन्स। ये पूरा स्टोरी डेमोंस्ट्रेशन से ड्यूरिंग शूटिंग टाइम ये डम्मीज को हटा देते हैं, हटा देने के बाद जूनियर आर्टिस्ट को रिप्लेस करते हैं ये जगह में। सो इवन कूड़ा वैसे ही स्टोरी डेमोंस्ट्रेशन करके शूटिंग टाइम अपडेट बोमल अन्नीट कूड़ा తీసేస్తారు అన్నమాట। ఇంకోసారి కొచ్చారంటే సంతోషం। అప్కమింగ్ మూవీ క్రిస్టట్ వాలే వాలే వో మూవీ మేక్ సీన్ है। ये इन्होंने गाइस अभी हमें कोई सेट पे छोड़ दिया है, अभी हम अंदर का सेट देखने आए हैं। आ गए गाइस अब हम बाहुबली के सेट पे, बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। ये गाइस वो कैटापुल्ट है जो यूज़ होती है फाइटिंग सीन में बाहुबली में।
ये सामने जो आप जाल देख रहे हो इसमें शायद बाहुबली की माँ को मूवी में कैद करके रखते हैं, ये वो बना रखा है। टेम्पल है जो मूवी में दिखाया हुआ था, या पता नहीं क्या है, मुझे भी पूरी तरह पता नहीं है। ये एक रथ भी दिखाया हुआ है। ये गाइस पूरा बाहुबली का सेट। हाँ जी, तो मैं आ गया था रामोजी फिल्म सिटी से, पूरा दिन लग गया, काफ़ी थक गया था। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।